अब्दुल्ला शिराजी कहते तशव्वुद में अली वलीउल्लाह पढ़ो, ये है दस्तखत और ये मोहर उनकी। आयतुल्ला सैयद नसरुल्लाह मुस्तंबित, ये है मोहर। हजरत आयतुल्ला सैयद मोहम्मद शिराजी मुस्तैद आजम कौम मुकद्दसा ईरान, ये है मोहर अंगूठी की और ये है दस्तखत, पढ़ो। आयतुल्ला अल-उज़्मा सैयद मोहम्मद जवाद तबरेजी नजफी, ये है मोहर, ये है दस्तखत, पढ़ो। आयतुल्ला अल-उज़्मा सैयद मोहम्मद अली तबा तबाई दमिश अक्स फतवा कवानीन शरिया के मुताबिक, यह है मोहर, यह है दस्तखत, पढ़ो। आयतुल्ला अल-उज़्मा सैयद मोहम्मद अली तबा तबाई दमिश अशदुल्ला अली वलीउल्लाह, ये ऊपर लिखा है पढ़ो, ये लिखा है दस्तखत। मर्जाए आली कदर आयतुल्ला सैयद मोहम्मद अली तबा तबाई अशदुल्ला अली वलीउल्लाह नमाज जनाजा में पढ़ना वाजिब है, पढ़ो। आयतुल्ला अल-उज़्मा आका खामानाई की तरफ से जारी हुआ फतवा, ये दस्तखत, ये मोहर, पढ़ो। सैयदुल मुज्तहिदीन आयतुल्ला अल-उज़्मा सैयद शहाबुद्दीन मरशी नजफी, वाजिब है आयतुल्ला कह रहे हैं, वाजिब है तशव्वुद में पढ़ना, ये है मोहर, ये है दस्तखत, पढ़ो। सैयदुल मुज्तहिदीन आयतुल्ला सैयद शहाबुद्दीन हुसैनी मरशी इमाम जुमा हरम मासूमा कुम मुकद्दसा, यह है दस्तखत, यह है मोहर, पढ़ो। आयतुल्लाह अल-उज़्मा सरकार इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह शहादत सालसा मुकद्दसा के मुतालिक मेरा अकीदा है कि इसको तशव्वुद में पढ़ना चाहिए, यह है खुमैनी के दस्तखत। आयतुल्ला खुमैनी का यह दूसरा फतवा जिसमें फरमाते हैं अली वलीउल्लाह और उनकी औलाद की विलायत का इकरार मुश्तमिल दुआ का जिक्र अस्माए नमाज में हर जूज हर जगह जायज है, इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह। सैयद मोहम्मद तकी मजलिसी, वाजिब है अशदो अन्ना अमीरुल मोमिनीन तशहुद में। शेख मुर्तजा आले यासीन काजमैन एरा, ये मोहर है, ये दस्तखत है, ये कोई नकली नहीं है, अबुल कासिम खोई, ये अरबी में है, मैं दे रहा हूं, अभी बटेंगे और इसका फोटो करा के वाजिब है, हर पेश इमाम से कहो पढ़ो पढ़ो। इंशाअल्लाह जब शिया उलमा पढ़वाएंगे तशव्वुद में अली वलीउल्लाह तो फिर सुन्नियों से भी हम पढ़वा लेंगे। इस्माइलियों से भी पढ़वाएंगे, बोहरियों से भी पढ़वाएंगे। ये बोहरियों के नुमाइंदे बैठे हुए हैं अब्बास पल्ली वाला, इनका हमारा वादा है, ये बुरहानुद्दीन से कहेंगे सब अगर नहीं पढ़ते, उनके यहां तो शायद पढ़ा जाता है, आलखानियों के भी पढ़ा जाता है। कुछ शिया हैं जो जिद पे हैं, उन्हें प्यार से समझाइए पढ़ो, इतने ही से तो कहने अली वलीउल्लाह। हमारे बाप दादा कहते थे, इमाम फरमाते हैं सब कहते थे, इराक में ईरान में सब कहते थे, ये पाकिस्तान में क्या नई बात हो गई है, क्या बात हो गई, काहे के लिए नहीं पढ़ूंगा, क्या विलायत अली से जिद क्या है, जिद किया है तो किससे, मौला अली से। अरे मौला अली से क्या जिद, जिद तो उनके बच्चे करते थे, अम्मा कपड़े आएंगे तो ईद मनाएंगे, तुम क्या जिद करोगे। कपड़े आएंगे, कपड़े उसने भिजवाए, उसने इनकी जिदियों को नहीं डाला, ऐसा स्टेटस तो हो कि जो अल्लाह से जिद करे।
तुम्हारा स्टेटस क्या है जो तुम अल्लाह से अली वलीला पे जिद कर रहे हो? कहे की जिद, किस बात की जिद? ये प्यार की बातें। विलायत माने मोहब्बत, विला भी है, विलायत माने हुकूमत और कमांड भी है। गवाही दो ताकि सुरखुरू रहो महशर में पैगंबर के सामने, ताकि जनाबे सैयद अपनी चादर का साया महशर में तुम पर करें, इसलिए कि उन्होंने अपने शौहर की विलायत की गवाही दी है, इसलिए आप भी दे। गुफ्तगू हुई है चलते वक्त कि मैं कब्र में कैसे आपकी विलायत पर गुफ्तगू करूंगी। किताबें पढ़ें, मुतालिया करें, लाखों करोड़ों किताबें छपी हैं, हवाई बातें करने से क्या फायदा? हवालों की बातें करें, बैठें डिस्कस करें, सामने बात करें, लड़ाई झगड़े की क्या बात? इल्मी बातों में तलवारें थोड़ी चलती हैं, वो तो जहां मसला खत्म हो जाता है। यजीद के पास कोई रास्ता नहीं था, दलील नहीं थी कि मैं वारिस रसूल हूं, तो वो आ गया करबला में तलवारें चलाने, तो क्या यजीदी दौर चल रहा है? मारपीट से काम नहीं चलेगा, मारपीट से काम, प्यार और मोहब्बत से बात करो। इल्म का काम है बैठ के सामने बात करना, इसी को कहते हैं टेबल टॉक, डिस्कस। अगर डिस्कस उम्मत कर रही होती तो अब तक फिदक का मसला हल हो जाता। गांधी ने कहा कि फदक फातिमा का हक नहीं है, जवाब हमने दिया और ऐसा जवाब दिया कि बोलती बंद हो गई। डॉक्टर असरार ने अली पर इल्जाम लगाया, जवाब हमने दिया। जाकिर नायक ने बदतमीजी की, जवाब हमने दिया। बताओ हम कामयाब हुए? सब गायब हो गए, हम हैं।